नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की खास। बड़वानी जिले के खेतिया से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत राखी खुर्द में नियोजित बैठक में थाना प्रभारी राजेंद्र इंगले, कोरोना वॉलेंटियर श्याम वास्कले जी ने राखी खुर्द पंचायत पानसेमल में TI इंगले सर जी, कोरोना को वॉलेंटियर श्याम वास्कले सर, राजेंद्र बड़े जी, मकराने जी, भिड़े जी और ग्राम के पटेल वरिष्ठ अगुवाइयों में कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें इंगले सर जी और श्याम वास्कले सर जी द्वारा सरकारी दिशा निर्देश का पालन कैसे किया जाए, कैसे सोए और गांव को इस महामारी से बचाया जाए, गांव में किस अजनबी को देखे तत्काल सूचित करें, सामाजिक दूरियां बनाने क्यों जरूरी है, हाथ क्यों धोना जरूरी है, मुंह पर कपड़ा क्यों बांधना चाहिए, सैनिटाइजर का विकल्प आदि बातें सार्वजनिकता के रूप में समझाई गई। साथ ही समस्त ग्रामवासियों द्वारा निर्णय लिया जाए कि गांव को नशा मुक्ति करने के लिए वरिष्ठ समाजन युवा ग्रुप वड़फलिया राखी खुर्द द्वारा गांव के किसी सदस्य द्वारा दारू मौड़ी ताड़ी बेचने पर 50,000 रुपये दंडनीय अपराध रहेगा, जिसमें 10,000 बताने वाले को इनाम स्वरूप दिया जाएगा और बचे हुए 40,000 गांव के पंच को दिए जाएंगे, जिससे गांव में सामाजिक कार्य और आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। यदि वो 50,000 का दंड देने के विरोध करे तो प्रशासन के माध्यम से उचित कदम उठाया जाए। ऐसा प्रस्ताव गाँव के समस्त ग्रामवासियों के युवाओं ने मिलकर गाँव को नशा मुक्त करने के निर्णय लिया। अंत में श्याम वास्कले जी के निर्देशन में सभी स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और आत्मीय अभिनंदन तालियों की गड़गड़ाहट से किया गया। नगर निरीक्षक श्री राजेंद्र इंगले श्याम वास्कले सर ने बताया कि खेतिया में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। नागरिकों से अपील है कि कोई भी अफवाह ना फैलाए, साथ ही सोशल मीडिया पर गलत या अपुष्ट मैसेज नहीं करे, अन्यथा प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में गाँव के संयोजक रवि पटेल, जितेंद्र भोसले, दिनेश पटेल, मोहन पटेल, शांतिलाल चौहान, पंडित वसावे, जितेंद्र वसावे, किशन सक्सेना, संतोष भोसले, मंगल सिंह, लखन पटेल, सरपंच रमेश जादव, सहायक सचिव सिंगल भोसले, वरिष्ठ राजू पटेल, दाजला छगन खन्ना, छगन जगन खन्ना, लखन सिंह भोसले, निम्बा सक्सेना, किशन सक्सेना, पप्पू पटेल, आमशिया खन्ना, रोहिदास तरोले, गंगाराम परमार, कालू सिंह राव तल्ले, आकाश सक्सेना, दिनेश राय सिंह पाड़वी, रतिलाल रूपा, टेबला पटेल, दादला तारोले, तेवा जादव, सजन भोसले, चैन सिंह खन्ना और गांव के सभी लोग उपस्थित थे। खेतिया से राजू गायकवाड़ की खास रिपोर्ट। क्या आप सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाए। हमारे जो सुरक्षा कमेटी है सब मिलके हमारे वरिष्ठ जनों का स्वागत करेंगे तालियों से। एक बार ताली हो जाए। अब आपको अभिनंदन करना है इन पुलिस वाले बंदों का। ये अपने परिवार से पिछले 1.5 से 2 महीने तक आज तक नहीं मिले हैं। रात में भी ड्यूटी कर रहे हैं लोग और दिन में भी ड्यूटी कर रहे हैं। वैसे डॉक्टर लोग भी है जो रात में भी काम कर रहे हैं और दिन में भी काम कर रहे हैं। तो आप क्यों इनके सम्मान में खड़े रहकर, जो आप खड़े हो चुके हो इनके सम्मान में, थोड़ा सा ताली बजा के स्वागत कर देंगे और हमको विदा करेंगे। बोलिए एक साथ भारत माता की जय। अपना अपना ध्यान रखिए, घर में ही रहे और अड़ोसी पड़ोसी को भी समझाया कि घर में रहे और सामाजिक दूरियां बना के रखें। जय हिंद।